नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसका मतलब समझो, कई बार क्वेश्चंस में आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा जाता है। देखो ये एक ब्लॉक है जिसको हमने किसी सरफेस पर रखा हुआ है और इन दोनों सरफेस के बीच में जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू के बराबर है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए मैंने लिखा है कोफिशियंट, तो ये कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बोला जाएगा। अब ये जो ब्लॉक है, मान लो इसका मास है एम, तो इसके ऊपर एक वेट फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ एम जी, और उसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा होगा एन। एन किसके बराबर है यहाँ पे? एम जी के बराबर है। एन बराबर है एम जी के, ठीक है। अब सपोज करो मैंने एफ फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये मैंने एफ फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। जब ये आगे की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेगा तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा वो पीछे की तरफ डेवलप होगा, ठीक है, और इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं लिमिटिंग केस की बात करूं, जब इसके ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको हम एफ एल से डिनोट करते हैं। तो मान लो कि फोर्स आप बढ़ाते जा रहे हो और आपने फोर्स इतना बढ़ा दिया कि अब इन दोनों सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में लग रहा होगा। तो अब ये जो फोर्स है जो आपने अप्लाई किया, ये किसके बराबर है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे एम जी, आगे की तरफ अप्लाइड फोर्स और पीछे फ्रिक्शन फोर्स। अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स और इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करूं, किसका? इस लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड किया जाए तो वो रिजल्टेंट बीच में कहीं ऐसा आएगा। ये होगा किसका रिजल्टेंट? फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का रिजल्टेंट। ये क्या है यहाँ पे? रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये जो रिजल्टेंट है इसने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से जो भी एंगल बना रखा होगा उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसका नाम है बस ही, क्या बोलेंगे उसको? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। अब आपको पूछा जाएगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का म्यू के साथ में क्या रिलेशन है, कैसे फाइंड करेंगे? फोर्सेस को बैलेंस करके देखते हैं। जस्ट ये मूव करने की कंडीशन में है अभी ब्लॉक, तो आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर की तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो एम जी के बराबर होगा। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा म्यू एस इंटू एन। एन किसके बराबर है? एम जी के बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे एम जी के बराबर है, तो एम जी लिख दिया। अब ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से ये थीटा एंगल बना रखा है। अब मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल थीटा के सामने वाली साइड क्या बोली जाएगी? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। और ये वाली साइड क्या बोली जाएगी? बेस, जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। और ये वाली साइड क्या है? हाइपोटेनियस। तो अगर मैं बोलूं कि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताओ, क्या रिलेशन होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई बेस, बेस यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। यहां पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किसके बराबर है? म्यू एस इंटू एन के बराबर है, डिवाइडेड बाई एन, यहां से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा? म्यू एस एन अपॉन एन, यानी एन से एन कैंसिल होके टेन थीटा बराबर आ गया अपने पास में म्यू एस के। यानी कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है अगर आप उसका टेन फंक्शन लोगे तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा? कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर आएगा। तो ये इन दोनों में रिलेशन है, आया समझ में? ठीक है, तो जब भी आपको म्यू दे रखा हो क्वेश्चन में और आपको अगर बोले एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताओ तो क्या करना है? थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे? टेन इनवर्स म्यू एस, ये कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है, आसान है एकदम। इसी से मिलता जुलता एक और एंगल है, वो भी आप याद रखो, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मान लो कि किसी इंक्लाइन सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है और ये एंगल है मान लो थीटा। यहाँ पे आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो? ये कोई एम मास का ब्लॉक है, आप इस इंक्लाइन सरफेस को ऊपर करते जा रहे हो, इसको ऊपर की तरफ अपन मूव करवा रहे हैं। ये इंक्लाइन सरफेस मान लो पहले इसके चिपकी हुई थी इस हॉरिजॉन्टल साइड के, फिर धीरे धीरे इसको ऊपर उठाते जा रहे हैं, तो ये एंगल यहाँ पे बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला होगा। जस्ट मूव करने वाला मतलब अभी तो रुका हुआ है इसके ऊपर, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी उसको ऊपर बढ़ा दिया, इस एंगल को अगर और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो ये स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये फिसल के नीचे आ जाएगा।
होता है ना ऐसा, किसी इंक्लाइन सर्फेस पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दो, फिर उसको धीरे धीरे ऊपर करो, एक पॉइंट पे जाके वो फिसलना स्टार्ट कर देगा। तो जिस एंगल के ऊपर ऐसा होगा उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ऑफ रिपोज, मतलब वो मिनिमम एंगल जहां पे जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, उसे कम एंगल पे स्लाइडिंग कभी नहीं होगी। ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ रहेगा, फिसलेगा नहीं, इस थीटा एंगल पे फिसलेगा, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ, कितना? mg के बराबर। क्या यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के बराबर होगा? चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे mg के मैं कंपोनेंट लेके आपको बता रहा हूं, एक तो सरफेस के अलोंग और एक सरफेस के परपेंडिकुलर। याद रखो कि सरफेस के परपेंडिकुलर ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका mg वाली लाइन से, यानी mg वाला ये जो फोर्स है, इससे जो एंगल बनेगा ये एग्जैक्टली इसी थीटा के बराबर होगा। ये थीटा ही बनता है, ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं। mg का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट जो सरफेस के अलोंग आएगा वो आएगा mg sin थीटा, ठीक है। अब जस्ट ये ब्लॉक मूव करने वाला है, मतलब आपने इतने एंगल पे इसको सेट कर दिया कि जस्ट ये ब्लॉक मूव करने वाला है, अभी मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब इसको फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा? पीछे की तरफ लग रहा होगा इसके ऊपर। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं मैं। ये बराबर होगा म्यू म्यू एस इंटू एन के बराबर। यहां पे ये जो ब्लॉक है ये सरफेस को दबा रहा होगा mg cos थीटा फोर्स से, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर आ रहा होगा। ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ब्लॉक सरफेस को दबाएगा तो सरफेस भी तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। तो एन किसके बराबर है यहाँ पे? mg cos थीटा। याद रखना यहाँ पे mg के बराबर नहीं लेना इसको, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंक्लाइन सरफेस पे हमेशा mg cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। कौन किसको बैलेंस कर रहा है? तो mg sin थीटा ये बैलेंस हो रहा है म्यू एस इंटू एन यानी कि फ्रिक्शन फोर्स से, और mg cos थीटा बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को। ये दो इक्वेशन अपने पास आ गई, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो आपस में, mg से mg उठ जाएगा, इधर बनेगा tan थीटा इक्वल टू n से n कैंसिल म्यू एस। ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए आया था। इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? सेम, क्योंकि ये म्यूएस के बराबर ही आते हैं दोनों, तो थीटा दोनों के लिए सेम ही आएगा, चाहे एंगल ऑफ रिपोज पूछे या एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोले, आंसर एक ही होगा। कई बार क्वेश्चन में एंगल ऑफ रिपोज दे रखा होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछ लेगा आपको, तो आंसर सेम है, ठीक है। थीटा अगर फाइंड करना हो ना एंगल ऑफ रिपोज, तो क्या करेंगे? टेन इनवर्स म्यू एस करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो आया क्या समझ में? क्लियर है एकदम? बताओ कोई भी डाउट है तो। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए बॉक्स इज लाइंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इफ द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग व्हेन एन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज 60 डिग्री। ये बोल रहा है कि जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमने 60 डिग्री रखा तो जो बॉक्स है वो जस्ट स्लाइड करना चालू कर देता है, तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना होगा? कितने एंगल के ऊपर? 60 डिग्री एंगल के ऊपर ब्लॉक स्लाइड करना चालू कर देगा। ये कोई इंक्लाइन सरफेस है और जब आपने ये एंगल कितना रखा? 60 डिग्री, तो जो ब्लॉक है वो स्लाइड करके नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इन दोनों सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस वो कितना होगा? कैसे फाइंड करेंगे? ये एंगल कौन सा दिया अपन को? एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज पे ही जो ब्लॉक है वो जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करता है, और एंगल ऑफ रिपोज और ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इसमें रिलेशन होता है टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस। तो बताओ थीटा अगर आपको 60 डिग्री दे रखा है तो म्यू एस कितना आएगा? यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू आएगी टेन 60 होता है रूट थ्री, यानी कि 1.732 के बराबर। तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिया जाएगा वो होगा 1.732 के बराबर। आया समझ में? ठीक है, आसान क्वेश्चन है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए प्लैंक विद ए बॉक्स ऑन इट, वन एज इज ग्रेजुअली रेस्ट अबाउट द अदर एंड, एज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रिसेज इज 30 डिग्री, द बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड, द कोफिशियंट ऑफ स्टेटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी रेस्पेक्टिवली।
आपको दोनों कोफिशियंट बताने हैं, एक तो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों बताने हैं। नीट में आया था 2015 में ये क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एक प्लांक है और कोई इंक्लाइन सरफेस है उसके ऊपर, या प्लांक के ऊपर ये कोई बॉक्स रखा हुआ है, धीरे धीरे हम इस इंक्लाइन सरफेस को ऊपर उठाते जा रहे हैं। एक पॉइंट के ऊपर जब एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, यानी कि ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री के बराबर, तो उस एंगल के ऊपर ये जस्ट स्लाइड करना चालू कर देगा। तो आपको पूछा है कि बताओ कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। अगर ये जो बॉक्स है ये 4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 4 सेकेंड के अंदर, इसके ऊपर स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा तो 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा कितने टाइम में, 4 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो आपको पूछा है कि म्यू एस और म्यू के ये दोनों कितने कितने होंगे, ठीक है। जो म्यू एस है उसको फाइंड करना तो बिल्कुल आसान है, इसने एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे बता दिया है। एंगल ऑफ रिपोज अगर आपको पता हो तो हमको एंगल ऑफ रिपोज और जो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें रिलेशन पता है। टेन थीटा क्या होगा, म्यू एस के बराबर होगा, तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री पुट करो, टेन 30 डिग्री बराबर म्यू एस। तो आप इसको सॉल्व करोगे, टेन 30 होता है 1/√3, ये म्यू एस के बराबर आएगा। और अगर 1/√3 की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 0.6 के आसपास आएगा। तो जो म्यू एस है यानी कि कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आएगा 0.6 के बराबर, कितना आएगा 0.6 के बराबर आएगा। पहला आंसर आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, आसान ही है ये। अब दूसरी चीज पे आते हैं जो इसने पूछा है। पहले ये बताओ कि जब ये बॉक्स नीचे स्लाइड कर रहा होगा तो इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, पीछे की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि ये मोशन को रेसिस्ट करेगा तो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जब बॉक्स मूव कर रहा होगा, जब बॉक्स मोशन के अंदर होगा उस टाइम पे जो फ्रिक्शन काम करता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पे अभी जो दोनों सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो म्यू के अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। अब एमजी का क्या रोल है यहाँ पे, तो एमजी का एक कंपोनेंट जो आएगा इधर, जैसे ये सरफेस के परपेंडिकुलर पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे ये एंगल भी 30 बनेगा, तो एमजी का इधर वाला जो कंपोनेंट है ये तो होगा एमजी कॉस थीटा, यानी कि कॉस 30, और इधर होगा एमजी साइन 30। तो कौन सा कंपोनेंट इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, एमजी साइन 30, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इसको रोकने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि जस्ट यहां पे स्लाइडिंग स्टार्ट हुई है, अभी जस्ट इसने स्लाइड करना चालू किया है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स ऑलमोस्ट बराबर होंगे। अच्छा, ये जो mg cos थीटा ये क्या काम करेगा, ये यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा n। तो यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो किससे बैलेंस हो रहा है, mg cos 30 से, लिख देते हैं इधर, n किसके बराबर है, mg cos 30 के बराबर है। cos 30 कितना, √3/2, यानी कि आएगा √3/2 mg, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपने पास आ गया। अब क्योंकि ये स्लाइड करके नीचे आ रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर नीचे की तरफ कुछ एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा। अब जब ये नीचे स्लाइड कर रहा होगा तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा हुआ है mg/2, mg sin 30 यानी कि mg/2, और पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो नेट फोर्स आएगा जो नीचे की तरफ लगेगा इसके ऊपर। नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना लगेगा, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है mg/2 उसमें से माइनस कर दो काइनेटिक फ्रिक्शन, यह आएगा नेट फोर्स, यानी कि mg/2 माइनस क्या करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इनटू एन। तो ये जो नेट फोर्स आएगा ये बराबर होना चाहिए इस बॉक्स के मास इनटू एक्सेलरेशन के। ये वाली इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो कहां से लेके आएंगे, तो जब आपने इस इंक्लाइन सरफेस को ऊपर उठाना स्टार्ट किया था तो 30 डिग्री एंगल के ऊपर ये जस्ट स्लाइड करना चालू कर देगा। इसका मतलब बॉक्स पहले क्या है, रेस्ट के अंदर है। जब ये स्लाइड करना चालू करेगा तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। फिर ये जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये 4 सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा इस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर। तो यहां पे हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाएंगे और ये फाइंड करेंगे कि ये नीचे किस एक्सेलरेशन से आ रहा है ताकि इसमें पुट कर पाए। कैसे फाइंड करेंगे ये, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है कितनी है, 0, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस जो इसने कवर करी वो 4 मीटर है, टाइम जो लिया उसने 4 सेकंड है। तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, s = ut + ½ at² और इससे एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे।
जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 4 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये वाली टर्म 0 हो गई, प्लस 1/2 एक्सिलरेशन ए, और टाइम कितना लगा 4 सेकेंड, तो यहां से एक्सिलरेशन कितना आएगा 1/2 आएगा क्या, ये 4 से 4 एक कैंसिल कर दो चलो, और एक 4 बचेगा यानी कि 2, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगा अपने पास में एक्सिलरेशन। अब ये वैल्यू मैं यहां पे पुट करके सॉल्व कर रहा हूं जिससे हम म्यू के की वैल्यू निकाल पाएंगे। देखो कैसे करेंगे, यहां पे लिखा मैंने एम जी बाई टू माइनस म्यू के, और एन की जगह क्या लिखना है, ये वाली वैल्यू लिखनी है √3/2 एम जी इक्वल टू एम, और एक्सिलरेशन की जगह 1/2 ये लिखना पड़ेगा। अब ये जो m है ये तो उड़ाई दो दोनों साइड में, ये तो कैंसिल, g की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, तो 10/2 यानी कि ये बन गया 5 माइनस म्यू के इन टू, जी की वैल्यू 10 पुट करोगे तो 10/2 ये 5 बनेगा, तो ये आया 5 √3 के बराबर इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये जो म्यू के इन टू 5 √3 इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, इधर लिख रहा हूं, ये आएगा इधर म्यू के इन टू 5 √3 बराबर, ये 1/2 जब इधर आएगा तो 5 में से माइनस होगा, तो ये आएगा 4.5, 1/2 मतलब 0.5, तो 5 में से 1/2 यानी कि 0.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 4.5, तो बताओ म्यू के कितना आया, तो ये आएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 5 √3, जिसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.9/√3, और अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये लगभग 0.5 के बराबर आएगा। ठीक है, तो जो कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो तो आएगा 0.5, और जो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकल के आया हुआ है अपने पास 0.6। कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है और कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, देखो ये आंसर से भी निकल के आएगा ऐसा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 आ रहा है, और ये वाला जो आंसर है यानी कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये है 0.6, ये दोनों अपने आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशियंट पूछे जा रहे हैं, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। पहले स्टैटिक वर्ड यूज किया तो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पहले और कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बाद में, इस सिक्वेंस में हम आंसर बताएंगे क्योंकि पहला और लास्ट वाला ऑप्शन एक जैसा ही है, तो ये देख के आपको टिक करना है। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ ए बॉडी, जैसे कोई भी बॉडी है उसको पुल करते हैं या पुश करते हैं तो किस पे ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ये हम यहाँ पे फाइंड करके देखेंगे। जैसे ये कोई बॉडी है, इसको आप पुल करके आगे लेके जा रहे हो, धक्का मार के आगे लेके जा रहे हो इसको, और जब इस पे धक्का मारा जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल से मान लो किसी थीटा एंगल के ऊपर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो क्या है, हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल के ऊपर आपने लगा रखा है, जैसे एक बॉक्स है सामने और उसको आप घसीट के आगे लेके जा रहे हो, तो ये पुल वाला केस हो गया। पुश वाले केस में क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल के ऊपर ऐसे आगे की तरफ पुल करने के लिए, खींचने के लिए एक रस्सी बांध के इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, तो पुलिंग के केस में क्या होगा, आप इस पे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, जैसे इसको किसी रस्सी से बांध के घसीट के लेके जा रहे हो, एक बॉक्स रखा है उस पर रस्सी बांध ली और उसको ऐसे घसीट रहे हैं, तो ये वो वाला केस है। तो ये तो है पुश करने वाला केस और ये है पुल करने वाला केस। देखते हैं दोनों केस में से भाई ऑब्जेक्ट का मास सेम है एम और एम, तो कौन सा केस, कौन से केस में ऑब्जेक्ट को मूव करवाना आसान होगा, ठीक है ये हम चेक करेंगे। मान लो कि दोनों सरफेस के बीच में जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू के बराबर है, इन दोनों सरफेस के बीच में कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू के बराबर। अब इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है पहले इसके कंपोनेंट करो, उससे आपको ये बात समझ में आएगी कि कौन सा इजी मेथड है दोनों में से ऑब्जेक्ट को मूव करवाना किस तरीके से आसान होगा। फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कि होगा एफ कॉस थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में जो कि होगा एफ साइन थीटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा जो कि ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो हम फाइंड करके देखेंगे, क्योंकि जब जो ब्लॉक है जब इस सरफेस पे ऐसे स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन डेवलप होगा वो इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करेगा, तो इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को पहले फाइंड करके देखते हैं कि कितना आता है। ये एन ऊपर लग रहा है और एफ साइन थीटा और एम जी ये दोनों नीचे लग रहे हैं, और ब्लॉक ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ लगने वाला टोटल फोर्स और ऊपर की तरफ लगने वाला टोटल फोर्स बराबर होना चाहिए,
ऊपर की तरफ फोर्स है एन, नीचे की तरफ फोर्स है एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये दो फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर नीचे की तरफ, और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो ये आपस में बराबर होनी चाहिए। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू इन टू एन, तो अगर एन की वैल्यू ये पुट करेंगे तो इससे हम जो फ्रिक्शन यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा जब इसको आगे की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों सर्फेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा है ना वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे उससे, ठीक है। अब इस वाले केस में देखते हैं कि इस वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर लो, ये आएगा एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा इसके ऊपर एफ साइन थीटा, नीचे लग रहा होगा इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, ऊपर लग रहा होगा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन। इस बार ध्यान से देखो, दो फोर्स ऊपर की तरफ है एन और एफ साइन थीटा और एम जी नीचे की तरफ है, तो ये दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे होंगे, एम जी को, तो हम लिखेंगे एन प्लस एफ साइन थीटा, ये बराबर होगा एम जी के, यानी कि एन किसके बराबर आएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा के बराबर आएगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहां पे पहले वाले केस से कम हो गया, वहां पे एम जी प्लस एफ साइन थीटा है, यहां पे एम जी माइनस एफ साइन थीटा है। इसका मतलब सेकेंड केस में क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स घट रहा है। जब आप किसी भी चीज को पुल करते हो तो फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को घटाता है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है अगर वो आप अप्लाई करोगे तो म्यू इन टू एन, एन की वैल्यू अगर कम होगी तो फ्रिक्शन भी कम डेवलप होगा। फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, एक तो म्यू पे डिपेंड करता है और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे। म्यू तो दोनों केस में सेम रहेगा क्योंकि बॉडी वही है, ठीक है, सरफेस भी वही है, तो म्यू सेम है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे चेंज हो गया इन दोनों केस में। देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा डेवलप होगा, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम है तो मतलब फ्रिक्शन कम डेवलप होगा। तो इसका मतलब कौन से केस में ऑब्जेक्ट को मूव करवाना आसान होगा, पुल करेंगे, जब पुल करेंगे ना किसी चीज को आप पुल करते हो, खींच के लेके जाते हो, तो वो इजी मेथड होता है, और अगर आप पुश कर रहे हो किसी भी चीज को, पुश करके लेके जा रहे हो तो वो थोड़ा सा उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, तो उसमें ज्यादा जोर आएगा, अपन को ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों बातें समझ में आ गई, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए इसके ऊपर कि कौन सा इजी होता है, ये क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, तो आप इजीली टिक कर सकते हो, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, ठीक है।